नमस्कार, मैं हलीन सानिया और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। पहले टीजर और फिर पोस्टर के जरिए फैंस के बीच एक्साइटमेंट क्रिएट किया, अब इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए हैं। अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म में विद्या बालन के रोल को लेकर खास चर्चा हो रही है। बता दें, शकुंतला देवी का ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है, जो सोशल मीडिया पर आते ही ट्रेंड करने लगा है। लंबे समय बाद विद्या बालन स्क्रीन पर कुछ अलग लेकर आ रही है। ट्रेलर को देख साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक महान मैथमेटिशियन की कहानी नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ रहा है फिल्म उसके बारे में बताती है। फिल्म में शकुंतला देवी के जीवन पर रोशनी डाली गई है। ट्रेलर को देख समझ आ रहा है कि शकुंतला देवी गणित के लिए अपने पैशन को लेकर इतना गंभीर थी कि इसकी वजह से वो अपनी बेटी से दूर हो गई थी। फिल्म में सानिया मल्होत्रा विद्या बालन की बेटी का रोल निभा रही है। ट्रेलर में माँ बेटी के बीच पैदा हुई अनबन को साफ समझा जा सकता है। फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा कि कैसे शकुंतला देवी ने अपने तेज दिमाग के बलबूते हिंदुस्तान से लंदन तक का सफर तय किया, उन्होंने कैसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था, उन्हें कब और कैसे मानव कंप्यूटर का तगमा मिलता है। ट्रेलर में इन सब की झलक देखने को मिलती है। शकुंतला देवी के रोल में विद्या बालन भी काफी इंप्रेसिव नजर आ रही है। उन्होंने जिस अंदाज में खुद को इस रोल में ढाला है, वो सभी का दिल जीत रहा है और फिल्म देखने की फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। बता दें, सानिया और विद्या के अलावा अमित साध और जीशु भी अहम रोल में दिखाई देंगे। शकुंतला देवी बायोपिक का डायरेक्शन अनु मेनन ने किया है और इसे लिखा भी उन्होंने है, जो कि इससे पहले फोर मोर शॉर्ट प्लीज का फर्स्ट सीजन लिख चुकी है। फिल्म 31 जुलाई को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज कर दी जाएगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें गूगल बॉलीवुड के साथ।